हेलो दोस्तों, आज हम फिर आगे एक नया वीडियो लेके आज हम आप लोगों को एक सोनी का टीवी है 22 इंच का 22 इंच का एलईडी टीवी है। हम उसमें यूनिवर्स किट जो हमारे यूनिवर्स बोर्ड है ना वो हम लगा कर दिखाएंगे। तो हमारे जो 22 इंच का एलईडी टीवी इसका प्रॉब्लम क्या था तो वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए इसका ये मदरबोर्ड था, देख पा रहे हैं ये इसका जो मेन प्रोसेसर है ना वो खराब हो गया था, इसलिए हमने क्या किया एक यूनिवर्सल बोर्ड लगाया। तो इन्वर्स बोर्ड कैसे लगाते हैं सोनी टीवी पर 22 इंच का, मॉडल नंबर है 22BX320। मॉडल नंबर 22BX320 ये हमारा मदर बोर्ड है, ये हमारा पावर सेक्शन का बोर्ड है। तो हम इसमें एक नया बोर्ड लगाए के आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ पर कैसे लगाते हैं, ठीक है। बैकलाइट कैसे काम करता है, बैकलाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, फुल देखना तो आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। इसका प्रोसेसर खराब था इसलिए हमने क्या किया एक नया मदरबोर्ड लगाएंगे। ये जो मदरबोर्ड का नंबर देखिए T56 11.23, ये हमारा नया मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड लगाने से पहले हमें पहले एक काम करना पड़ेगा, ये जो हमारा पावर सेक्शन का बोर्ड है सोनी का, इसको पावर ऑन कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ हमारा 14 पिन का जिससे आउटपुट वोल्टेज है वहाँ पर क्या है तो देख लीजिए। पहले क्या लिखा है, पहले लिखा है देखिए दोस्तों, देख पा रहे स्टैंड बाय 3.3 एक नंबर पर, दो नंबर है एसी ऑफ डिटेक्ट, तीन नंबर पावर ऑन, चार नंबर ऑडियो पावर वोल्ट, 5, 6, 7 ग्राउंड है। उसके बाद देखिए 8 और 9 नंबर पिन पे पावर वोल्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 10 नंबर पिन पे बीएलई रोड ब्लैक बैकलाइट की रोड है, 11 पर बैकलाइट ऑन है, 12 पर डीमार हमारा PWM ही काम करता है, टीमार PWM SM सेम है। तो इसका देखिए हमारा बैकलाइट सेक्शन इन्वर्टर आई सी है, तो इसका बैकलाइट हमने देखा कि इसका बैकलाइट रिपेयर नहीं हुआ, बैकलाइट भी ख़राब था, बैकलाइट इससे नहीं जल रहा है था। तो इसके बाद हमने क्या किया एक CCFL का बैकलाइट इन्वर्टर हुआ हमने इस पर लगाएंगे। तो पहला काम इसको स्टैंड बाई कैसे रिलीज करते हैं पहला आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम बैंक इन्वर्टर पर जाएंगे। तो स्टैंड बाई रिलीज करने के लिए पहले देखिए दोस्तों, ये जो हमारा एक नंबर पिन है स्टैंड बाई 3.3 और तीन नंबर पिन पर है स्टैंड बाई ऑन, तो हमने ये शॉर्ट कर दिया रेजिस्टेंस का लग 47 ओम्स का रेजिस्टेंस है, उससे हम लगा कर हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। इसका ये शॉर्ट करने पर हमारा जो पावर है ना वो चालू हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट करने पर हमारा पावर सेक्शन चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों देख पा रहे 12 वोल्ट, ये हमारा जो रेड वायर है ना हमने 12 पर कनेक्शन कर दिया, देख पा रहे हम रेड वायर जो बराबर कनेक्शन कर, और ये हमारा ग्राउंड पिन है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया, देख पा रहे ये हमारा 12 पिन 12 वोल्ट है, ये हमारा ग्राउंड पिन है, और ये हमारे यूनिवर्सल पड़े हमने यहाँ से वोल्टेज लेकर यहाँ पर दे दिया। उसके बाद अब हमें इन्वर्टर बोर्ड पर कनेक्शन करना है,
इन्वर्टर पर कितना वोल्ट लगेगा, 12 वोल्ट इनेबल एडजस्ट ग्राउंड। तो यहाँ से हमने क्या किया, देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए दोस्तों ग्राउंड एडजस्ट ऑन 12 वोल्ट। यहाँ से हमने एक वायर लेके, ये देखिए हमारा वायर है, देख पा रहे हैं, ये वायर लेके हमने यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा बैकलाइट ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे यहाँ पर लगा के पावर ऑन करके आप लोगों को दिखाएंगे टीवी ऑन होता है कि नहीं होता है। तो पहले आप लोग समझ गए ना, स्टैंड बाय रिलीज़ करने के लिए हमें यहाँ पे शॉर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा स्टैंड बाय रिलीज़ हो जाएगा। बैकलाइट हमारा जो था ना वो हमारा ख़राब थी, इसके बदले में हमने क्या किया कि इन्वर्टर बोर्ड लगाया। तो अब हम क्या करें, इसको ऑन करेंगे, ऑन करके आप लोगों को दिखाएंगे टीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, टीवी को हमने पावर दे दिया, देख पा रहे सोनी लोगो आ गया, तो हमारा सेट क्या हुआ, ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, देख पा रहे, देखिए HDMI नो सिग्नल, इसका मतलब क्या है, हमारा टीवी ऑन हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम रिमोट प्रेस करके आप लोगों को दिखाएंगे टीवी सही है कि नहीं है। तो हमने देखिए मेनू दबा दिया, देख पा रहे आप सब लोग, और इसका सर्विस कोड है, पहले मेनू दबाना पड़ेगा 1147। तो ये हमारा सर्विस मेनू है, ऐसे जाके आप लोग लोगो चेंज कर सकते, देख पा रहे लोगो सोनी इस पावर ऑन। ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने 22 इंच का LED टीवी पर यूनिवर्सल बोर्ड कैसे लगाना पड़ता है वो हमने हम लोगों को दिखा दिया, कोई हार्ड काम नहीं है, सिंपल तरीके से हमने आप लोगों को दिखाया कहाँ पर कितना वोल्टेज जाता है, कहाँ पर कितना वोल्टेज लेना पड़ता है। ठीक है, ये समझ आप लोगों का अगर समझ में आ गया तो आप किसी भी बोर्ड पर यूनिवर्सल बोर्ड लगा सकते हो। सोनी पर क्या होता है, लोग सर्किट देख के डर जाता है कहाँ पर कैसे लगाएंगे बोर्ड। ठीक है, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।